इतना रुपया खर्च हो रहा है, सब जगह कहां से हो रहा है, सबको खरीदा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, सब वोटर्स को, जो हमारा वर्कर है उसको धमकी दिया जा रहा है, सीडी ईडी बीडी सबको भल से छापा मरवाएंगे, तुम जल्दी आओ, कोई वर्कर नहीं करो, धमकी दिया जा रहा है, प्रशासन से धमकी दिलवाया जा रहा है। ललन सिंह धमकी दिलवा रहे हैं तो और कौन दिलवाएगा, आतंक है यहाँ अभी ललन सिंह का, खौफ है पूरे देश क्षेत्र में कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, उसके अति से होता है भय से, और उसी चीज से मुक्ति दिलाना हमारा काम है, उस चीज से मुक्ति दिला देंगे। कैसे अशोक कुमार को मुक्ति दिलाएंगे, आपके पास क्या फॉर्मूला है? जनता साथ है, जनता हमारे अति में दे रहा है सब साथ, जीतने के बाद मुक्ति मिलेगा। ललन सिंह बाहुबलियों का भी साथ ले रहे हैं चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जो हमारे साथ आया चार में उग गया था, 11 बजे रात में ससबहना कॉलेज में बैठकर बात किया था, चार में जो लड़ा था चुनाव उस समय, तो क्या उस समय हम कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे, तो क्यों मिलने के लिए गया था, तो जब हमसे मिलने के लिए गया तो किससे नहीं मिल सकता है, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, जो हमसे मिला तो दूसरे को हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि दूसरे से वो मिल रहा है, कहीं से भी वो मिल सकता है। पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके लोगों को भी डर भरा कॉल या फिर धमकाया जा रहा है, आम जनता को कैसे? आम जनता के लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे कि वो डरने की बात नहीं है, टकराएंगे उससे, जनता को हिम्मत दिला रहे हैं, लड़ेगा जनता।